डेढ़ साल में अभी तक हम पे बच्चा हो जाना चाहिए ना। अब मुझे एक बच्चा चाहिए तो चाहिए। मैं तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नामर्द हूँ। क्या? मेरा पति ना मर्द है? तुमने मुझे शादी से पहले ये बात नहीं बताया था कि मैं ना मर्द हूँ। ना मुझे तुम्हारे दोनों बीवियों के बारे में मालूम था। ना मर्द है ना तुम? क्यों? तूने इसके साथ क्यों शादी करी है? नहीं, चल। इसकी माँ ने ये बोल रखा था मेरा बेटा ना मर्द है, उसके बाद भी तुमने अपनी बेटी के साथ शादी करवा दी ना मर्द की। अगर तू बॉयफ्रेंडों के साथ अपने ना घूमती बचपन में, वो प्रेग्नेंट की गोलियां नहीं खाती तो आज प्रेग्नेंट नहीं होती तू। अच्छा, तो तुमने कब देख लिया मेरे को बचपन में बॉयफ्रेंड के साथ घूमते हुए? मैंने बहुत बार देखा तेरे को। कब देखा मुझे गोली खाती हुई प्रेग्नेंसी की? नहीं तो पहले तू अपना हुलिया बता। तेरे हुलिया क्या थे? कपड़े देख अपने, तेरे कहाँ जा रहे हैं? क्या कपड़े कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे दामाद का नाम है भाई, उनको जाके बोलो। नहीं, दामाद को क्या बोलूं? क्यों? हाँ, तुझे समझ नहीं है, तेरे अंदर अक्कल नहीं है बिल्कुल भी। सारी गलती तो मेरी होती है, उनकी कहाँ कोई गलती होती है। अच्छा, वाह बेटे, तेरे को अपने आप को नहीं देखना होता है? क्या अपने आप को देखूं? वैसे भी शादी करके क्या एहसान करवा दिया तुमने? दो बीबी की तो उसकी पहले सी थी, जिनसे उससे बच्चा नहीं हो रहा था, तीसरी मैं हुई तो। अच्छा, फिर भी मेरी कमी दे रही हो। अरे तेरे में ही कमी है, तू ही उसको अच्छे से नहीं रख पा रही। तेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है, समझ गई? ये तेरी शुरू से कमी है। अच्छा, समझ गई? तू एक बार तो अपने दामाद में जरा झांक के देखो। मैंने देखा कोई कमी है कि नहीं है। मेरी कमी सारी टाली जाती हो। मैंने बहुत देखा, बहुत देखभाल की मैंने ढूंढा तेरे लिए, समझ गई? बस करो, तुम्हारे तेरे अंदर कमी है, तू बचपन से ही तेरा ये हाल है। देखो माँ, फालतू मत बोलो, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, जो कमी तुम्हारे दामाद के अंदर कमी है, समझी? तुझे ज्यादा पता है, तूने ढूंढा, मैंने ढूंढा। हाँ, तो जब तू मेरी माँ बनने की कोशिश क्यों कर रही है? तो आपने ढूंढा क्या? देख के डॉक्टर के पास लेके गई थी आप उनको, आपको कैसे पता कि उसमें कमी नहीं है? ये आपकी बेटी सगी है, सोतेली है? सोतेली बेटी हूँ इनकी। हाँ, सोतेली बेटी। तो मैंने सगी की तरह रखा है इसको। ये कोई सगा रखने का तरीका? जिसके आप कह रहे हो कि मैंने देख के लिया, कैसे देख के लिया? आप कोई डॉक्टर हो? अच्छा वाला, मैंने इसकी बढ़िया शादी की है, सब दिया है इसको। अरे तो कौन सा एहसान कर दिया तुमने शादी करके? एहसान की क्या बात है? क्या कर दिया तुमने? एहसान की क्या बात है? शादी करवाई है, वो भी एज बुड्ढे के साथ। क्या कर दिया तुमने? काय का बुड्ढा, इतना पैसे वाला, इतना बढ़िया इंसान है, जिससे शादी हुई है, क्या मतलब? अरे वो एजेंट है, दो शादी उसके पहले से रखी है भैया। दो शादी पहले से कर चुका है, अब तीसरी मैं हूँ। अच्छा, अब मुझे अब बच्चा नहीं हो, इसमें मेरी क्या गलती है? तो दो जो दो शादियां पहले हुई थी उनमें से भी उसका कोई बच्चा है? उन दो में से भी कोई शादी नहीं है, तब भी इन्होंने तीसरी शादी की? शुरू से ही आवारा करती लड़कों के साथ करती रही। बात बताओ, आपको ये पता था कि आपका दामाद जो है वो पहले से दो शादीशुदा करके बैठा हुआ है? उसकी दो शादियां पहले से आपको ऐसा पता? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। पता है आपको? हाँ या ना? ऐसा कुछ पता है ना आपको? ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है ना कि दामाद आपका पहले से दो बार शादी करता है? अरे वो तो कोई बात नहीं, उसको क्या दिक्कत है? तो आपने क्या चेक करके लिया? क्या देख के लिया उसको? भाई आदमी चंगा भला, पैसा वाला बढ़िया है, पैसे का क्या करोगे? अच्छा डालोगे भाई? अच्छा भला मेरे लड़के को खिलाएगा पिलाएगा रखेगा? मैं आपको बोल तो रहा हूँ, जब आपने इतना इस पे एहसान करा है ना, तो आप 3-4 लाख रुपए उससे लेके इसको एग्रीमेंट के हिसाब से दे देते एक साल के लिए। ये तो एक के हिसाब से बेचना ही तो हुआ, और नहीं तो क्या हुआ? कोई होता है ऐसे? कैसे बोल सकते हो आप? अच्छा, हम बोल रहे हैं, आपकी बेटी बोल रही है, वो नहीं दिख रहा? अपनी बेटी को चुप ही रह ले। आपकी सगी बेटी होती तो चुप ही रह ले। क्यों क्यों चुप रह लो? अच्छा, वो सोते लिए तो बोल नहीं सकती? नहीं बोल सकती हूँ मैं। नहीं, आप अपनी सगी, ये फालतू बहुत बोलती है, आपको नहीं पता? मैं कह रहा हूँ, आप अपनी सोतेली की जगह अगर सगी बेटी होती तो उसके साथ ऐसे शादी कराते? जिस आदमी की पहले से दो शादियाँ, उसके साथ तीसरी शादी कराओ अपनी बेटी की? कुछ नहीं, ये फालतू की बकवास करी, झूठ बोल। अच्छा मैं आपका बात बताऊँ, अगर आप खुद होते, आप खुद भी तो ऐसा नहीं करते? सोतेली बेटी है तो स्टार्ट है। हाँ जी भाई, क्या हालचाल आप सभी के? ओप्पो के सारे बढ़िया। हम आ चुके और एक हेल्पिंग वीडियो के साथ, और यहाँ पे क्या करने के लिए आ रखे, 2 मिनट में आपको पता लग जाएगा। ये जो यहाँ पे आंटी बैठी हुई है हमारे साथ, और यहाँ पे हमारे साथ ये जो बहन बैठी हुई है, मैं बता देता हूँ क्या, ये दोनों माँ और बेटी है, लेकिन सगी नहीं है, सोतेली है, मतलब इसकी रियल माँ है ही नहीं, ठीक है? और इसकी शादी करवा रखी है इन्होंने, और किसके साथ शादी कराई है सुनोगे पागल हो जाओगे, उस आदमी के साथ शादी कराई है जिसकी पहले से दो शादीशुदा, मतलब दो शादियों वाली ज़िंदगी वो जी चुका, और इसके साथ जो उसकी शादी हुई है वो तीसरी शादी है। और मज़े की बात तो ये है कि जो इसके साथ जो पहले दो शादियां हुई थी ना आदमी को, उनमें से भी कोई बच्चा नहीं था, और ये जो तीसरी शादी को 1.5 साल हो रखा है, इसमें से भी कोई बच्चा नहीं है। और जो इसके मतलब ससुराल वाले ना, क्या बोलते हैं आपको? क्या बोलेंगे, बाजी बोलते हैं, बाजी बाजी इसको बच्चा नहीं हो रहा है, फिर भी मेरी कमी वो भी निकालते हैं। ये सारी इसकी
बचपन की नादानियों का नतीजा अच्छा, है अच्छा, आप क्या कह रहे हो कि क्या क्या नादानी है इनकी बचपन? ये बचपन में बहुत बॉयफ्रेंडों के साथ घूमते रही है। अच्छा, उससे क्या हुआ है? प्रेगनेंसी की, ना प्रेगनेंट हो ये गोलियां खाती रही है। अच्छा, नहीं तो आज ये प्रेग्नेंट हो चुकी हो। तो एक ये माँ अपनी बेटी के लिए ये कह रही है कि कॉलेज में इसने बहुत सारे बॉयफ्रेंड हाँ। बनाए और उसके बाद प्रेगनेंसी की दवाई खाती थी और आज तक इसको इस चक्कर में इसके पेट हाँ। में कोई बच्चा नहीं हो रहा, इसीलिए बच्चा नहीं हो रहा। अलग एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसे बोल रही है कि बचपन में इसने प्रेगनेंसी रोकने की इतनी सारी दवाइयाँ खाई हैं कि शादी के बाद इसके पेट में बच्चा ही नहीं आ पा रहा। मतलब एक सौतेली माँ ही बोल सकती है, सगी नहीं बोल सकती। और ये अपने दामाद से एक मिनट की भी बात नहीं कर रही कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, ऐसी कोई बात नहीं कर रही। कोई दिक्कत मेरा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तेरे में ही है। अच्छा, दामाद में कोई परेशानी नहीं है? दो शादियां किया हुआ है, ठीक है, इसको पता है, तीसरी में इनको पता है? क्या आपको नहीं पता था जब शादी हो रही थी? मुझे नहीं, ये छुपाई करी भाई आपने, इनको बता के नहीं कराई थी शादी? क्या बताना, कितने पैसे दिए आपको, कितने पैसे क्या दे? तो इससे एक काम मैं क्या कह रहा हूँ, इससे बढ़िया एक काम ये करते हैं ना कि माँ होके अपनी बेटी को 5 लाख रुपए दे के एक साल के लिए दे देते, एक साल का एग्रीमेंट करा देते, एक साल मेरी बेटी तेरे साथ रहेगी, तू 5 लाख रुपए दे दे। कम से कम इसके ऊपर शादी का आरोप तो नहीं लगता है, इसके ससुराल वाले इसको बांस तो नहीं बोलते? अरे नहीं बोलते, ये ढंकी होती तो कभी ना बोलते ये बातें सुनवाने की मेरी बेइज्जती समाज में करवा रही है। ये तो दामाद, ये मेरी समाज में, मैंने पता क्या सोचा था कि इनको यहाँ पे बुला के दामाद को कॉल करके बुलाएंगे और सारी बातें पूछेंगे, लेकिन अब इनसे दामाद को कॉल नहीं कराएंगे, कॉल कराएंगे इनसे दामाद से। नहीं लालच क्या, पैसों की वजह से तुम ये काम कर रही हो, तेरा घर बसा दिया मैंने, तेरे को अच्छा नहीं लग रहा है? बात बताओ आप अपने, एक काम करो, चलो मैं कह रहा हूँ इसमें पूरी कमी है, इसके पेट में बच्चा नहीं हो सकता, ठीक है जी, मान ली बात। आप एक काम करो, आपका दामाद तो अच्छा है ना? हाँ बहुत बढ़िया। तो आप अपने दामाद को पकड़ो और इसको पकड़ो, दोनों को लेके जाओ एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास और दोनों का चेकअप कराओ कि कौन माँ बन सकता है और कौन बाप बन सकता है। ऐसी कोई बात है ही नहीं है, मुझे पता है। आपको अपना चेकअप कराने में कोई दिक्कत है भाई? ये जाके डॉक्टर को चेकअप कराएगी कि माँ बन सकती है नहीं बन सकती? आप अपने दामाद को भी लेके चलो, वो बाप बन सकता है नहीं बन सकता? तो वो बन जाएगा, कोई नहीं, आप लेके जाओगे इसके अंदर है दिक्कत। ना उसकी दो बीवी है, फिर उनसे क्यों नहीं बच्चे हुए भाई? तीसरे मेरी कराई हो, उनके मैं कमी करूं भाई? एक काम करते हैं, ये अपने हस्बैंड को कॉल करके यहाँ पे बुलाएगी, उसके बाद ये उससे बातें करेगी कि भाई मैं तेरे साथ 1.5 साल से हूँ तो मेरे को बच्चा क्यों नहीं हो रहा? अपने आप सच सामने आएगा, और नहीं आया ना तो मेरे आते आते तो सच आपको सामने निकाल के दूंगा। इसमें होगी गलती तो इसकी गलती देखी जाएगी, इसके हस्बैंड में होगी तो उसमें देखी जाएगी, और इनमें जो गलती थी इन्होंने तो कर दी कि इनको पहले से पता था कि इनका हस्बैंड 2 बारी शादीशुदा है, उसके बाद 3री शादी करा दी इन्होंने, तो इसके जीवन कर दिया वैसे ही खराब। अपना सौतेलापन जो है वो दिखा दी, कोई दिक्कत नहीं, खारी पी रही है, देख रहे हो अपनी बेटी होती ना तुम ऐसे नहीं करती, अपनी बेटी का सगी बेटी, बेटी का समझ के मैंने तेरी शादी की, अपनी सगी बेटी समझ के ना आप कभी भी ऐसे काम नहीं करते, ठीक है? अपनी सगी बेटी समझ के ना आप कभी भी ऐसे शादी नहीं कराते, ठीक है? वो भी ऐसे जिसे 2-2 शादियां हो रखी है, बताओ तो क्या? वो आदमी तो है वो, तो आदमी एक काम करो ना, एक काम करो ना, 30 साल की वाला दिखने वाला, मैं क्या कह रहा हूँ, 30 साल की, मैं क्या कह रहा हूँ, 31 साल की लड़की का 90 साल के बुड्ढे के साथ शादी करा दो, आदमी तो है, क्या दिक्कत है? आप बोलना पैसे पैसे वाला, आपको कोई 10 लाख रुपए अकाउंट में दे दे, आप अपनी बेटी को ऐसे ऐसे बातें बोल दो यार। क्या कमी है, खारी पी रही है, सब तो उस, वो नहीं चाहिए इसको, वो सब नहीं चाहिए इसको, वो सब नहीं चाहिए, जी रही हो, मुझे भी तो कुछ खुशी चाहिए ना, इसको नहीं चाहिए पैसा, मेरी लाइफ है भाई, इसको पैसा नहीं चाहिए। बचपन में सोचती ना जो तू बॉयफ्रेंड के साथ कुछ छेड़े उड़ा रही थी, तुम सोचो ना भाई, एक काम करते हैं, आप बेजबाजी करने से अच्छा ना इसके हस्बैंड को बुलाते और इनके दामाद को बुलाते, अभी पता लग जाएगा कि किस में कमी है, किससे बच्चा नहीं हो पा रहा, या तो ये बांझ है या तो इनके जो पति है वो नामर्द है, मैं कह तो रहा हूँ, या तो ये बांझ है या तो इसका पति नामर्द है, दोनों में से एक बात है, अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। बातों में मत आओ, कोई बात नहीं जी, मैं किसी की बात मत आओ, मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा, आप एक बार इनको फोन करो। हेलो, हाँ हेलो, हाय, बैठिए। और सुनाओ कैसे हो? और सब तो ठीक है। वैसे मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बात? क्या बात? अरे मैं इतनी मीटिंग छोड़ के आया हूँ अपनी, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस बना रखा है मैंने। अच्छा, और क्या? ये सब बेकार की फालतू की बातें छोड़ो, मुझे बस तुमसे एक जवाब चाहिए। बताओ। हमारी शादी को 1.5 साल हो गए ना? हाँ 1.5 साल हो गया, बिल्कुल हो गया। हो गए 1.5 साल में, अभी तक हम पे बच्चा हो जाना चाहिए ना? हाँ हो तो जाना चाहिए था। हो जाना चाहिए, बिल्कुल। अब मुझे एक बच्चा चाहिए तो चाहिए। पर हो जाएगा बच्चा? कब होगा, कब होगा, कब होगा? तुम्हारे यही सुनते आ रही रोज का ड्रामा, कब होगा?
अरे गोवा ट्रिप पे चलेंगे हम, वहाँ पे हो जाएगा बच्चा, कोई इशू नहीं है। गोवा ट्रिप पे? क्या गोवा ट्रिप पे? अरे घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, बड़ा होटल अच्छा, लेंगे। फिर घर में क्या करते हो? घर में क्या करते हो? घर में तो लगता है सोते ही नहीं हो साथ में। अरे क्यों नहीं सोते हो? तो फिर रोज नहीं सोता तुम्हारे साथ में, भूल गई तो फिर? अरे सोते देखो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस चाहिए बच्चा। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत सुन लिया मैंने। अब फिर हो जाएगा बच्चा, इशू क्या है यार इसमें? इशू तुम्हारे में है ना, लोग मुझे बोल रहे हैं ना, मुझे सब मुझे सुनने को मिल रहा है। लोग क्यों बोलेंगे यार, मैं ब्लडी स्टार, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस बना रखा है मैंने। यार क्या बुलवा रही है? अच्छा तो फिर जब इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस सब कुछ करवा रखा है तुमने, बच्चे पैदा करने में क्या है? क्यों नहीं बच्चे पैदा कर रहे हो? अरे रोज करते तो हैं, जो जो चीजें करनी चाहिए सब कर तो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है? तुम में ही कोई कमी होगी। मेरे में कमी है और क्या? अपने में कमी देखो पहले, ठीक है? सब तुम्हारे में से हो रहा है। आज जो मेरी माँ है वो भी मेरे पे इल्जाम लगा रही है कि मेरे में कमी है। अरे तुम्हारी दो दो बीवियां हैं, ठीक है? जब तुम्हें अगर उन बीवियों में अगर तुम में कमी नहीं रहता तो उन दो बीवियों की वजह तुम तीसरी शादी मुझसे क्यों करते? अरे यार उन दोनों बीवियों का करेक्टर खराब था, इसलिए तो मैंने उनको छोड़ा था, और तुमसे मैं इतना प्यार करता था इसलिए तुमसे शादी की थी। अच्छा एक बात बोलूं? ये बात नहीं है, रीजन ये है कि उन दोनों से कोई गलती नहीं है ना, उन दोनों में कोई कमी है। कमी है तो तुम्हारे में कमी है, समझे? मर्द चेंज, देखो मर्द चेंज एक्सचेंज होता है ना वो, तुम औरतें क्यों एक्सचेंज कर रहे हो भाई? दो हो गए, तीसरी मैं हूँ, कैसे हो गया? अरे उनमें कमी थी, उनमें प्रॉब्लम थी, इसलिए तो उनको चेंज किया है, उनके चक्कर बहुत ज्यादा थे। मुझे कुछ नहीं पता, एक बार चलो, खुद भी चलो, मैं भी चल रहा हूँ, चेकअप करा दे, देखते हैं फिर किसके में कमी है। क्योंकि बहुत अब मैं अपनी माँ से बहुत परेशान हो गई हूँ, और लोगों की सुनते सुनते, तुम्हारे घर वालों की सुनते सुनते ताना, बस बहुत हो गया अब। अरे बेबी हो जाएगा बच्चा, नाराज मत। अरे छोड़ो बेबी, बेबी ये तुम्हारा बेबी सोना कह कह के तुम्हारी ये हाल आज मुझे सुनने को मिल रहा है। अरे जो जो चीजें करनी चाहिए वो सब तो हमने किया है ना, रोज ही तो करते हैं, प्रॉब्लम क्या है यार? अरे मुझे क्या पता क्या प्रॉब्लम, तुम समझो ना, उधर एक मेरी माँ है, ऊपर से वो सिर खाई जा रही है, तेरे में कमी है, तेरे में कमी है, तेरे में कमी है, मेरी बदनामी हो रही, मेरी इज्जत उछल रही है, तुम्हारी क्या? माँ तो तुम मौज ले रहे हो तीनों के साथ, तीनों के साथ मौज ले रहे हो, ये क्या बात हुई? क्यों दो दो पहले से तीसरे मेरे को ले लिया तुमने, मौज ही है तुम्हारी इसमें, मौज वाली क्या बात है? पूरा टाइम देता हूँ मैं तुम्हें, जितना टाइम देना चाहिए। अच्छा हाँ टाइम देते हो, सब कुछ करते हो, मौज करते हो, मस्त सब कुछ करते हो, फिर भी क्यों नहीं बच्चा हो रहा है? क्या रीजन है, क्या कमी है, क्यों नहीं हो रहा है? अरे जिस प्रकार से करना चाहिए, जिस स्थिति में करना चाहिए, सब कुछ हो तो रहा है ना। हाँ बिल्कुल, और ओपन बता दो सबको, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये मत बताओ कि मेरे में क्या कमी है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, ये सब मत बताओ, मेरी कमी निकाल लो तुम भी, मेरी गलती निकाल लो। क्या कमी है ये बताओ तुम, क्या कमी है, तुम्हें क्या लगता है क्या कमी है? क्या लगता है क्या कमी है? हाँ जाके पहले एक बार चेकअप करवा, पहले खुद पता चले किस में कमी है। चेकअप कराओ, क्या चेकअप कराओ, इसमें क्या है, इसमें क्या है, नॉर्मल है सब कुछ। देखो मुझे कुछ नहीं पता, अब बहुत बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, ठीक है? एक तो चुड़ैल माँ के सुनते सुनते, ऊपर से तुम्हारी, ऊपर तुम्हारे फैमिली वालों की। अरे यार अपनी मम्मा को चुड़ैल क्यों कह रही हो, वो इतनी अच्छी लेडी है, इतनी केयर करती हैं तुम्हारी। अच्छा जी वो मेरी केयर करती हैं और क्या, तुम्हें मालूम है वो ना मेरी सौतेली माँ है, ठीक है? और अगर अपनी माँ होती ना तो तुम्हारे साथ आज मेरा ब्याह नहीं हुआ होता। अरे सगी माँ से ज्यादा प्यार करती हैं वो तुम्हें यार, सगी माँ से ज्यादा प्यार करती और क्या। अच्छा मतलब वो मुझे पाल पोसती है बचपन से, मुझे मालूम है तुम्हें मालूम है, तुमसे बस शादी करा दिया गया, तुम्हें एक बच्चा चाहिए, ठीक है? और वो भी तुमसे ना हो पा रहा। सुनना चाहती हो? हाँ क्या सुनना चाहती हूँ, क्या बोलो, क्या सुनाना चाहते हो? सुनना चाहती हो क्या, बोलोगे तो सही, क्या सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो, मैं भी सुनूँ जरा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार, पूरा प्यार कर रहा हूँ मैं तुम्हें, जितना प्यार देना चाहिए, जितना समय देना चाहिए, सब कुछ दे तो रहा हूँ मैं। सब कुछ दे दिया तुमने, सब कुछ कर लिया, बस मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, बस इतना मेरे को चाहिए, अभी का अभी कुछ भी हो जाए, मुझे कम से कम 15 दिन के अंदर में एक बच्चा चाहिए तुझे, 15 से 1 महीने के बच्चे चाहिए, बच्चा मैं वहाँ मुझे, मैं मुझे प्रेग्नेंट होना है किसी भी तरीके से, लेकिन तुम ही करोगे। आई नो मैं प्रेग्नेंट तुम्हें नहीं कर सकता। क्यों? मैं ना मर दूँ। क्या? हाँ तुम ना मर दो? हाँ तो तुमने मुझसे बहुत कुछ छिपाई फिर। हाँ क्यों छिपाया? अरे मम्मा ने पहले तुम्हें बता दिया होगा, हमारी मेरी माँ ने सब कुछ पहले से कह दिया था, मुझे तो कहा था सब कुछ बता दिया है। माँ अरे मेरी माँ तो एक नंबर की, वो है, वो तो मुझसे हर बात मुझे छुपाती आ रही है, लेकिन तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वास धोखा किया। अरे हमने शादी से पहले सब कुछ बता दिया गया था कि जो जो भी दिक्कत है।
तुमने मुझे शादी से पहले ये बात नहीं बताया था कि मैं ना मर दूं, समझे? ना मुझे तुम्हारे दोनों बीवियों के बारे में मालूम था। अरे मेरी मम्मा ने सब कुछ क्लियर कर दिया था शादी करने से पहले, जो जो दिक्कत थी। तुम्हारी बात माँ से हुई ना, मुझे क्या, बीच में मुझे घसीटा जा रहा है ना। बीच में ओ, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे छिपाई। देखो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, ठीक है, बहुत हो गया अभी ड्रामा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मेरे साथ नहीं रहना है? नहीं। ये क्या बात हुई? तुम ना मर्द हो, अब तुम्हारी कमी, अब ये बात मेरी माँ को पता चलेगा ना, मुझे लगता कि मेरी माँ को पता चलेगा फिर भी तुम पे विश्वास करेगी या मुझे विश्वास करेगी, वो सीधे बोलेगी अभी मेरे दिमाग में कोई कमी नहीं है, सब तेरी कमी है। अरे हमारे समाज में इतनी रेपुटेशन है, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस बना रखा है हमने, लोगों की नजरों में हमारा थू करवानी है क्या? कभी कभी ना ये शान शहरत पैसे इन सब चीज़ से ना दूर हट के बात किया करो, ठीक है? तुम्हारी शान और शौक इन सब की वजह से ना मेरी लाइफ आज बर्बाद हो रही है। लाइफ बर्बाद हो रही है? ऐसे कैसे बर्बाद हो रही है? तुम कर रहे हो, उधर मेरी माँ कर रही है, और कैसे बर्बाद हो रही है? और बस तुम ना मर दो, जब भी तुम्हें बोलूँ कि दो दो बीबियों के अलावा तुमने तीसरी शादी की क्यों और बच्चे क्यों नहीं हो रहे, यही रीजन है क्योंकि तुम ना मर दो। अरे जो दो बीवियाँ थी उनका करेक्टर ठीक नहीं था। करेक्टर नहीं ठीक था, करेक्टर की बात नहीं, यहाँ पे आ रही है बात तुम्हारी कि तुम ना मर दो इसलिए बच्चा नहीं हो रहा था, समझे? अरे बच्चा तो हो जाता है, हार्मोन्स के पार्ट तो दोनों के सही होते हैं ना, तुम्हारा पार्ट सही है तो भी बच्चा हो जाना चाहिए था। नहीं है, तुम्हारा सही नहीं है, तुम बाप नहीं बन सकते हो, मैं माँ कैसे बनूंगी, तुम्हारा सही नहीं है। तो बच्चे का क्या, बच्चा तो अडॉप्ट भी कर सकते हैं हम। क्या अडॉप्ट कर सकते हो, मुझे अपना बच्चा चाहिए ना, मुझे अपना बच्चा चाहिए ना, क्या अडॉप्ट कर सकते हो बच्चे का? पर अपना बच्चा चाहिए, अपना बच्चा भी हो जाएगा, तुम तो सही हो ना अपनी जगह पे। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कब से, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, मुझसे बात छिपाया गया, मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि मेरे में कोई कमी है, मुझे खुद पे शर्म आ रहा है। अब चलो ना यहाँ से, क्या भागने की ज्यादा जल्दी हो रही है, चल चल उधर, चल चल इधर, चल चल इधर, चल। कहाँ भाग रही है, कहाँ भाग रही है, कहाँ भाग रही है? अब तो कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं करा, अब तो तुम कह रही थी कुछ नहीं करा, मारू तो थप्पड़ तेरे, है इधर आ, इधर आपने दामाद के पास, क्या कह रहा दामाद तुम्हारा, तू शर्म नहीं आ रहा है? क्या कह रहा दामाद तुम्हारा करते हुए, इधर आइयो, इधर आ, इधर आ, हाँ इधर आ, हाँ इधर, इधर शर्म नहीं आया तुम्हें, इधर खड़ा हो, थप्पड़ मारूंगा जोर से, साले ज्यादा हो गया, इधर आ, तेरा क्या निकाल दूंगा साले, इधर इधर बैठ, एक माँ हो के तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कर रही हो, इतनी बड़ी बात मुझे, ज्यादा चोटपंती मत दिखाइयो साले, अरे तू है कौन, ये तो बता, शर्म आना चाहिए तुम्हें ना, क्या आवाज अपनी नीचे कर, अगर आवाज ऊपर हुई है ना मैं मुंह तोड़ूंगा तेरा, खड़ा हो नहीं तो गंजा कर दूंगा तेरे को, दो मिनट में आवाज मेरे सामने इतनी नीचे रखी हो ना कि जितनी ऊंची नहीं हुई हो तेरी आज तक, मैं ना मर दे, तू ना मर दे, तू पहले बताया था शादी, ना मर दे ना, ना मर दे ना, तू तूने इसके साथ क्यों शादी करी है, घर वालों ने कराई है तेरे को, ये नहीं पता था कि तुम ना मर दे किसी लड़की की जिंदगी खराब करेगा, क्या होती तुम्हारी, हां क्या होती है, बकवास कर रहे हैं यहां पे, क्या बात हो गई, 10 लाख रुपए नहीं, 10 लाख रुपए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इधर ओ आंटी ज्यादा ना बनो मत, 2 मिनट में, 2 मिनट में पूरी बनावट निकाल दूंगा आपकी, ये कौन है आपका दामाद, बनावटी दामाद बना रखा आपने, है बनावटी क्यों है, नहीं सिर्फ 10 लाख रुपए की वजह से तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इधर इधर इधर, इसकी माँ ने तेरे को ये बोल रखा था कि मेरा बेटा नामर्द है, इसकी माँ ने ये बोल रखा था मेरा बेटा नामर्द है, उसके बाद भी तुमने अपनी बेटी के साथ शादी करवा दी नामर्द की, शर्म नहीं आई तुम्हें, क्या मिला था 10 लाख रुपए, अरे 10 लाख रुपए तुम्हारी परेशानी निकाल दो, मैं यहाँ पे क्या बकवास कर रही थी अभी 2 मिनट पहले कि मैंने इसे कुछ नहीं करा, अपनी बेटी का घर देख के करा, क्या बोल रही थी, अरे क्या बोल रही थी, आवाज नहीं निकल रही क्या, अब नहीं निकलेगा इनका आवाज, आवाज नहीं निकल रही, मैं निकालू आवाज, इधर 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 इधर, मैं आवाज निकलवाऊं, मैं आवाज निकलूं, निकलवाऊं मैं आवाज, बाहर में जाए बेटी, भविष्य सुधरवा रही है नामर्द के साथ शादी करवा के भविष्य सुधार रही है, माँ बाहर में जाए, इधर इधर, अरे सौतेली माँ, इसका मतलब इतना भी नहीं कि कुछ भी करो, इधर इधर इधर, चल वास कर रहा है, तेरी माँ ने बोल रखा था हाँ या ना, तेरी माँ ने बोला था हाँ या ना, मेरी माँ ने बोला था, तेरी माँ ने ये बोला था इसको कि ना मर दे तू, शादी से पहले बोला था, बोला था हाँ। आंटी थोड़ा नीचे बैठो नहीं तो धक्का मार के इतना नीचे बिठा दूंगा ना, ऊपर उठने की हिम्मत नहीं होगी, नीचे बैठो, इधर आओ, क्या बोल रही थी, उधर उधर खड़ी हो,
क्या बोल रही थी पहले कि मैंने अपनी बेटी का सगी बेटियों की तरह ध्यान रखा। अरे मैंने कहा आंटी मेरे बोलने से ना पहले बोल देना, नहीं तो मैं बोलने पे आया ना कान खराब हो जाएंगे आपके। मैंने सोचा क्या सोचा था पहले ना, मैं करना बंद कर दो। हाँ पानी मंगवाऊ पीना पानी। हमने सोचा हमारी जिंदगी अच्छे से बसर हो जाएगी, आपकी जिंदगी अच्छी नहीं हो। अच्छा तो आपने ये सोचा था कि आपकी जिंदगी अच्छे से बसर हाँ, हो जाएगी और आप अपनी बेटी की शादी एक नामर्द के साथ कराओ और आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी 10 लाख रुपए। तो एक हिसाब से तो आपने अपनी बेटी को बेच ही रखा है ना 10 लाख रुपए में, जिंदगी भर बच्चा नहीं होने का। और कह रहे हो कि प्रेगनेंसी की दवाई खा के उसके पेट में बच्चा नहीं आ रहा, ये नहीं बता रहे कि 10 लाख रुपए में अपनी बच्ची को बेच दिया। पैसे चाहिए इनको और कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। चुप करो तुम, नहीं है चुप रहो तुम। इधर इधर से थप्पड़ मारा ना, ये वाला गाल पूरा उधर हो जाएगा, इधर खाली जगह हो जाएगी तुम्हारी। तुम एक लड़की को नहीं संभाल सका, तू संभालता तो यहाँ पे होता क्या? एक लड़की नहीं संभाली किधर से? मेरी माँ ने सब कुछ पहले से बताया तो था। इधर आना, इधर आओ। मैं तू कह रहा था मैं संभाल लूंगा सब। इधर इधर क्या बोलेगी अपने दोस्तों को कि मेरा पति नामर्द है? हाँ तो क्या बोलूँ, यही बोलूंगी ना मेरे पति नामर्द है, कुछ भी नहीं होता इससे। तू अपने घर वाले और पड़ोसियों में नहीं बोल सकता ये बातें? डर लगता है तेरे को? पड़ोसियों में नहीं बोल सकता कि तू नामर्द है? हमारे प्रोडक्शन हाउस का। अरे ये क्या बोलेगा, ये तो हमेशा सांस होता है पैसे पे ही आ रहा है। प्रोडक्शन हाउस ही खत्म नहीं हो रहा, कौन सा प्रोडक्शन है? सब कुछ इतनी मेहनत से बनाया है। तेरा नेम मेम फनी, साला बकवास कर रहा, नेम मेम फनी। कौन सी प्रोडक्शन हाउस है तेरी, चूतिया बनाने की? एडी प्रोडक्शन हाउस। एडी प्रोडक्शन हाउस, देखो सान और घमंड इसका एटीट्यूड उतना ही है। अभी पति है, 50 साल। कहां से मिला ये आपको, आपका दामाद? चुन के लाई होंगी ये। कहां से मिला आपका ये आपका दामाद? ये मेरी सहेली ने बताया। सहेली ने क्या बोला था? ये लड़का, अच्छा ये बहुत अच्छा लड़का है ये, बहुत ऐसे वाला है। ये कहां से अच्छा लग रहा आपको, कहां से कुछ रखेगा, कौन से एंगल से अच्छा लग रहा, कहां से अच्छा है भाई तू? कहां से, नाक से, आंख से, बाल से, कपड़ों से, हाथ से, कहां से अच्छा? जैसी है वैसे ढूंढ भी लिया इन्होंने जब। कहां से अच्छा बता ना, अच्छा है तू? कभी खुद को अच्छा लगता? बिल्कुल लगता है अच्छा, इसमें अच्छे वाली क्या बात है? शर्म नहीं आती किसी लड़की की जिंदगी खराब कर दी? मौज लेना था इनको, मौज लिया इन्होंने। किसी लड़की की जिंदगी खराब कर दी उससे तेरे को बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि तूने कुछ गलत करा है? अब उस पे तो एक दाग लग गया कि वो शादीशुदा है। और तेरी प्रोडक्शन हाउस में तो बहुत पैसा। चल जब तक बोलेगा नहीं जब तक यहाँ से जाएगा नहीं, और 5 मिनट तक कुछ नहीं बोला उसके बाद तेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। कोई नहीं बेटे, इसकी गलती को माफ। अपना हाथ नीचे कर ले। तुम तो पहले चुप रहो। तुम्हारी जैसे गिरी हुई माँ ना किसी को भी ना मिले, समझी तुम? मैंने चुप रहो पहले, चुप चुप कर तू पहले। बहुत भला कर लिया तूने मेरा, बहुत भला तूने मेरा कर लिया, चुप रहे आप ठीक है? बहुत हो गया तेरे ड्रामे, बहुत हो गया बचपन से तेरे ड्रामे सहते आ रही हूं मैं। एक ही सारा होता ना उसका कि माँ नहीं है, सोतेली माँ मिलके तो तुमने तो उसका हाल ही इतना बेकार कर दिया ना, को किसी को शक्ल दिखाने की। ये जाके अपने दोस्तों को क्या बोलेगी, मेरी शादी हुई है फिर मेरी माँ ने मेरे को बेच दिया 10 लाख रुपए में? बता ना हाँ, क्या सोचा था कि आपका घर सही हो जाएगा, आपके कर्जे उतर जाएंगे? हाँ, पैसे अपनी मिलते बच्ची रहेंगे, को बेच देती हूँ, मेरे कर्जे उतर जाएंगे। हाँ, इनको पैसे मिलते रहेंगे। इधर थप्पड़ मारने का ऐसा मन कर रहा है ना, इधर इधर दिखाइयो अपनी लिपस्टिक, दे दे दे, देखो इधर पैसा देखो इनके बुढ़ापे में पैसे। फैशन खत्म नहीं हो रहे हैं, फैशन खत्म नहीं हो रहे गाइस। कैसे खुलता है ये, लो ये फैशन खत्म नहीं होते, लिपस्टिक और ये साथ चलेंगे। कर्जे में चल रही है, 10 लाख रुपए का कर्जा देना, अपनी बच्ची को बेच के 10 लाख रुपए का कर्जा पूरा करो, लेकिन फैशन खत्म मत करो। मैं तो कह रहा हूँ एक एक सारा होता ना कि हाँ भाई माँ नहीं है, सोतेली माँ हो के भी क्या हो गया, और जो हुआ इसके साथ हुआ, हमारे साथ तो हुआ नहीं। और ये इसको शक्ल नीचे करके बैठा, अब क्या होगा जी,
होगा क्या इनको, बस मेरे को इन्फॉर्म कराना है पुलिस में, शिकायत कराना है। आपको पता है झूठ की वजह से आप भी आंटी कितनी कितना अंदर जा सकती हो, पता है आपको? मैं आपको पता नहीं, मैं बताऊं, झूठ बोला, वीडियो में रिकॉर्डिंग हुई है, सारी चीजें हमारे पास प्रूफ में है, आप कितने साल के लिए अंदर जाओगे पता? पहले तो रहम खाती थी, पहले रहम खाती बोल रहे हो, उसको बोलो ना उससे माफी मांगो, मेरे से क्यों माफी मांग रहे हो? बहुत हो गया, बहुत हो गया, सगी बेटी की तरह मानूंगी, बहुत प्यार सगी बेटी की तरह, चुप कर तू, बहुत ड्रामे तेरे हो गए, बहुत तूने झूठ बोल दिया, ठीक है? सगी बेटी की तरह नहीं नहीं, मैं तुझे अब मां मानने के, मैं भी तुझे अपनी सगी मां से बढ़ के मानी थी, एक समझी, एक तू मां कहलाने लायक है नहीं, तू मां कहलाने लायक है, नहीं है तू, देख ले है तू, मैं नहीं है ना, देख ले, मुझे नहीं मनाना भाई, तेरे से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तेरे से नहीं, दूर चला, दूर रह, तू माँ नहीं है, तू मेरी माँ हो ही नहीं सकती, कैसे तू सौतेली माँ भी मैं नहीं, क्या बोलूँ, अच्छा काम करा आपने, मैं कह रहा हूँ आपने अच्छा काम करा है, मैं आपका साइड लूँ, क्या करा आपने, क्या करा? एक तो होता है ना लोग, हाँ चीज भाई चीजें बनावटी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो खुद कर रहे हो, आप तो खुद कर रहे हो ना, आपको ये कर है, मुझे ये पता नहीं था ये संभालने की बात, कैसे तुम्हारी लालच की बात आ रही है भाई, डेढ़ साल में बच्चा नहीं हो रहा तो कल परसों में ये नहीं पता लगेगा कि नामर्द है। चलो बेटी, सब पता था इनको, सब पता था इनको, और इसकी माँ ने तो आपको पहले ही बोल रखा था मेरा बेटा नामर्द है, और ये खुद बोल रहा है, बोला है इसने, बोला है ना, बोला है ना, बोला है, ये छुपाइए मेरे से बात, थप्पड़ मारू, मारू थप्पड़, तो जरूरत की हर बात पे जरूरतें प्यार ही है, तुम्हारे जरूरतें पूरी करने का चक्कर मेरी लाइफ क्या करना है तुम्हें, इनका कुछ नहीं करना है, दोनों को लॉकअप में करवाना है, मैं कंप्लेंट करवा रही हूँ, चल एक, एक कोई नहीं, प्रूफ मैं दे दूंगा, वीडियो दे दूंगा, वीडियो को बंद कर दे भाई, मेमोरी कार्ड अभी दे देता हूँ ना, कौन सा क्या होता है मौका, खत्म कर दिया आपने खुद ही, बंद कर दे, कोई नहीं, अभी ये प्रूफ दे दूंगा इसको, ये करायेगी कि आपके नाम की कंप्लेंट, अरे बस हो खत्म हो गया, यही यही दोनों अंदर, तू भी अंदर, तू भी अंदर, तू भी अंदर, कह तो रहा हूँ तुम दोनों अंदर, मेरे को सर क्या करना है, वीडियो निकाल के इसको देनी है, ये जाके कंप्लेंट करेगी, दोनों बैठ जाना इकट्ठे, अंदर जाके अपना शादी कर लेना।